हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 3 और 4। एपिसोड 2 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं कि जितने भी गुंडे लोग होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। तो चैंग रुओ जी यन को सेव करती है और उनसे फाइट करती है। तो यहाँ चैंग रुओ यन जी से कहती है कि ये सारे हथियार तुमने भेजे थे ना, तो यन जी उल्टा उस पर आरोप लगा देती है और दोनों में इसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो जी एन दोनों को स्टॉप कराता है और पैलेस वापस चलने को बोलता है। तो आगे चैंग रुओ अपनी आंटी को भी यही सब बताती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आपने मुझे जो मेडिसिन दी थी, प्लीज मुझे उसका डिस्चार्ज जल्दी से दे दीजिए, अदरवाइज मैं बहुत वीक हो जाऊंगी और मैजेस्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो उसकी आंटी उसे डिस्चार्ज दे देती है। चैंग रुओ आंटी से कहती है, यनजी ने कहा था कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, वो मैजेस्टी को हार्म नहीं पहुंचा रही है, क्या आपको यनजी पर बिलीव है? तो आंटी कहती हैं, मुझे उसकी कही हुई एक बात पर भी बिलीव नहीं है। इधर यनजी और बही मैन मिलकर फिर आगे का प्लान बना रहे होते हैं कि इस बार उनका प्लान खराब हो गया, लेकिन आगे उन्हें क्या करना है। तो यनजी कहती है, 15 फेब को फादर का बर्थडे है, उसी दिन हमें खेल को अंजाम देना है। आगे यनजी चैंग रुओ को एक डांस परफॉर्मेंस देने के लिए कहती है अपने फादर के बर्थडे वाले दिन। तो चैंग रुओ अपनी आंटी को भी बता देती है, जहां चैंग रुओ का मन नहीं था लेकिन यनजी के कहने पर उसे ये सब करना पड़ रहा है। तो उसकी आंटी कहती है, हमें ये करना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे चैंग रुओ अपनी आंटी से कहती है कि जी एन के फादर हम सबके दुश्मन है, अगर हम उनके बर्थडे के दिन ही उन्हें मार दें तो हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल जाएगी। तो उसकी आंटी उसको स्टॉप कराती हैं और कहती हैं कि तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया, ये सब इतना इजी नहीं है, इससे तुम खतरे में पड़ सकती हो, ऐसा करने की सोचना भी मत वरना तुम कारागार में डाल दी जाओगी। तो चैंग रुओ उनकी बात मानकर वहां से चली जाती है। आगे चैंग रुओ को फिर वही ड्रीम आता है कि जी एन उस पर अटैक कर रहा है और उसे मार रहा है। तो वो फिर यही उठकर सोचती है कि उसे ये ड्रीम बार बार क्यों आ रहा है, जी एन उसे कैसे मार सकता है। सो गाइस चैंग रुओ और यहाँ जितने भी उसके सपोर्टर्स हैं, वो सब बॉयलेट ब्यूरो के लोग हैं और लॉर्ड मजेस्टी यानी जी एन के फादर के लिए काम करते हैं, जो कि एक गुनहगार है। और उन लोगों का भी एक ही मकसद है कि अपनी कंट्री को सेव करना और दुश्मनों को मारना। तो आगे आ जाता है 15 फेब यानी लॉर्ड मजेस्टी का बर्थडे, जहां चैंग रुओ डांस परफॉर्म कर रही होती है कि तभी बॉयल्ड ब्यूरो की एक मेंबर आकर लॉर्ड मजेस्टी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसकी ऐसा करने से पहले ही चैंग रुओ बीच में आ जाती है और उसकी सोर पकड़कर उसे रोकती है, जिसमें उसका हाथ भी कट जाता है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। एंड तभी वहाँ आर्मी आकर उस पर वार करने ही वाली होती है कि तभी चैंग रुओ फिर उन्हें रोकने के लिए बीच में आ जाती है। तो ये लेडी चैंग रुओ की फ्रेंड ही होती है, जिसका नेम है आवू। तो चैंग रुओ उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और आर्मी भी उससे पूछते हैं कि उसे किसने भेजा है मजेस्टी को मारने के लिए। तो आवू सिर्फ सॉरी बोलती है। तो लॉर्ड मजेस्टी उसे मारने की सजा सुना देते हैं कि तभी चैंग रुओ उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये वॉयलेट ब्यूरो की मेंबर है, शी इज इनोसेंट, प्लीज आप इस केस को कोर्ट में कन्वर्ट कराइए। तो वो कहते हैं ओके और यनजी से कहते हैं कि पता लगाओ इसके पीछे कौन है, और ये कहकर चले जाते हैं। और तभी चैंग रुओ बेहोश होकर वहीं गिर जाती है, दैट्स व्हाई उसे भी काफी ब्लीडिंग हुई थी। आगे आंटी जी एन से कहती हैं कि ये सारी गलती मेरी है, मैं नहीं समझ पाई कि आबू हथियारी निकलेगी, इसलिए प्लीज मुझे पनिश कीजिए। तो जी एन कहता है, आपने कुछ नहीं किया है, आप वापस चली जाइए। आगे चैंग रुओ आबू से मिलने आती है, जहां उसे कैद कर रखा होता है। तो वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे सच बताओ, मैं तभी तुम्हें बचा सकती हूँ। तो आबू कहती है, मैं मरने के लिए रेडी हूँ, मुझे मार दो। और तभी वहाँ जी एन आ जाता है और वो भी उससे सच बोलने को कहता है। चैंग रुओ कहती है, आवू तुम्हें मैं पिछले 4 सालों से जानती हूँ, तुम ऐसी नहीं हो, प्लीज बताओ कि इसके पीछे कौन है, तुम नहीं जानती कि इसमें पूरा वॉयलेट ब्यूरो इन्वॉल्व हो रहा है, जिसने भी ये सब किया है उसे सिर्फ रिवेंज मिलेगा और तुम्हें जस्टिक, सो प्लीज टेल द ट्रूथ। तो काफी फोर्स करने पर वो बताती है
कि ये सब उसने अपने फादर के कहने पर किया था, जो कि लॉर्ड मजेस्टी के अगेंस्ट हमेशा से थे। और उसके फादर का नेम है चेंगलू, जो कि एक देशद्रोही थे। सो चेंगलू जीएन से रिक्वेस्ट करती है कि इसके पीछे चेंगलू का हाथ था, और आबू को उसकी सजा से बचाने और उसे जस्टिक दिलाने को कहती है। लेकिन आबू जीएन से कहती है कि उसे सजा दे और उसे जान से मार दे। तो जीएन पहले तो उसे तिरी करता है, जिसे देखकर चेंगलू काफी खुश हो जाती है। लेकिन उसकी ये खुशी कहां ज्यादा देर टिकने वाली थी कि जीएन आबू से कहता है, अगर तुम मरना चाहती हो सो एस योर विश। तो आबू वहां रखी सोट उठाकर खुद को मार देती है, जिससे चेंगलू काफी हर्ट होती है। एंड चीएन कहता है तो अब केस क्लियर हो गया है, तो इसे क्लोज किया जाए, और वापस जा ही रहा होता है कि चेंगलू गुस्से से उसके पीछे भागते हुए आती है और कहती है, तुमने केस क्लोज क्यों किया? चीएन कहता है, एक गुनहगार की डॉटर यही डिजर्व करती है। तो चेंगलू कहती है, उसने कहा था कि उसके फादर रॉन्ग थे। तो चीएन कहता है, उसने खुद कहा कि उसे मरना है, शी डिजर्व इट, और तुम एक सोर्ड होल्डर हो। सोर्ड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ना कि किसी की हत्या करने के लिए। एंड अगर तुमने नेक्स्ट टाइम किसी हत्यारे को बचाने की कोशिश की तो तुम भी मार दी जाओगी। और ये कहकर वहां से चला जाता है। तो यंजी आकर उससे कहती है कि ये सभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आगे चेंगलू आकर अपनी आंटी को भी इस सब के बारे में बताती है, तो वो कहती है अच्छा ही है कि सब क्लियर हो गया। लेकिन चेंगलू कहती है, नहीं, मैं इस केस को इतनी जल्दी क्लोज नहीं होने दूंगी, मैं सच जानकर रखूंगी कि इसके पीछे एक्चुअली में कौन है। तो आंटी चेंगलू से कहती है, ये सही टाइम नहीं है, हम वायलेट ब्यूरो के लोगों का सिर्फ एक ही मिशन है, अपने मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करना, ना कि उनके अगेंस्ट जाना। तो चेंगलू कहती है, मैं सोर्ड होल्डर से पहले चेंगलू हूँ, आबू की फ्रेंड, आई वांट हर रेस्ट इन पीस। देन आगे यंजी और चेंगलू मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वहाँ उन्हें एक कैलेंडर मिलता है। आगे चेंगलू अपनी आंटी को दिखाने आती है, तो आंटी उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, लेकिन यंजी के ज्यादा क्लोज मत जाना। तो वो कहती है, आई विल टेक केयर। इधर यंजी लॉर्ड मजेस्टी से कहती है, वायलेट ब्यूरो ग्रुप वीक होने का सिर्फ नाटक करता है। उस दिन आपकी बर्थडे पार्टी में एक मेड आपको मारने के लिए आई थी, इसलिए मैं इस केस को यूज कर रही हूँ सच एक्सपोज करने के लिए। आगे चेंगलू वही कैलेंडर चीएन के पास लेकर जाती है और कहती है, यंजी और मैंने इसे मिलकर ढूंढा है। तो चीएन कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम यंजी के साथ मिलकर काम करना चाहती हो? तो वो कहती है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि मैं इस केस को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, यंजी मेरा साथ दे रही है, इसलिए मैं उसके साथ काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो चीएन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां रखी एक बुक शेल्फ पर लात मारकर उसे गिरा देता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि केस वाज ओवर। तो चेंगलू कहती है, केस ओवर नहीं हुआ है, और आप इतना डर क्यों रहे हो? अगर मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा एनिमी कौन है, और मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगी? मैं आपकी सोर्ड होल्डर हूँ और मेरा तो काम ही ये है आपको प्रोटेक्ट करना। तो चीएन कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम अब एक सोर्ड होल्डर नहीं रह पाओगी। और उसके अंकल से ये अनाउंस करने के लिए कह देता है कि चेंगलू को उसकी जॉब टाइटल से हटा दिया जाए, और उसे पेरिस छोड़ने के लिए कहता है कि कभी वापस मत आना। तो चेंगलू भी गुस्से में चली जाती है और अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, एंड अपनी आंटी को भी यही सब बताती है और साथ ही अपसेट भी होती है, एंड कहती है कि अब मैं एक सोर्ड होल्डर नहीं रही, तो ये सोर्ड आप मैजेस्टी को रिटर्न कर देना। तो उसकी आंटी कहती हैं, वो वापस नहीं लेंगे, तुम इसे रख सकती हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे उसे मिसेस चाय की घर छोड़ दिया जाता है। इधर मैजेस्टी के पास भी ये नोटिफिकेशन दे दी जाती है कि चेंगलू को चीएन ने उसकी जॉब से हटा दिया। वेल चेंगलू यहाँ आकर भी शांत नहीं बैठती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखने के लिए चेंगलू के ओल्ड हाउस आ जाती है और कहती है, मुझे यही से स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन वहाँ ऑलरेडी चीएन भी आया था, तो उसे लगता है कि कोई हत्यारा वहाँ है। तो चेंगलू चीएन को पकड़ने के लिए अपने रेड रिबन को उसके पैरों में बांध देती है, और वो ऐसा कर ही रही होती है कि वो खुद ही उस पर तलवार रख देता है।
सो गाइस, जीएन को ये पता होता है कि वो चेंगरुओ है और तभी वहाँ कुछ गार्ड अंदर आ जाते हैं उन दोनों की आवाज सुनकर। तो जीएन चेंगरुओ को लेकर हाइड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम तलवारबाजी में कच्ची हो। तो वो भी समझ जाती है कि ये जीएन है और उससे कहती है ठीक है आ जाना बैटल फील्ड में, मैं तुम्हें हरा दूंगी। नेक्स्ट डे जीएन सोकर उठता है तो उसके पैर में वही रेड रिबन बंधा होता है जिसे पकड़ने के लिए चेंगरुओ ने उसे बांध दिया था। तो वो अंकल से कहता है आपकी नीस कहाँ है, वो क्या कर रही है। तो वो कहते हैं कि वो मिसेस चाय की घर रह रही है, आगे वही रेड रिबन यंजी के पास उसकी आर्मी ने पहुंचा दिया होता है। तो वो कहता है कि ये सिल्क रिबन बॉयलेट ब्यूरो का है। तो यंजी उसे बताती है कि ये चेंगरुओ का है। तो वो पूछता है कि उसका रिबन मैजेस्टी के बूट में कैसे आया। तो वो कहती है इसका बस एक ही मीनिंग है कि वो वहाँ गया होगा। आगे मिसेस चाई वेजिटेबल्स खरीदने बाहर चली जाती हैं और चेंगरुओ वहाँ अकेली होती है कि तभी कोई उसका पीछा करते हुए आता है और वो चेंगरुओ को देखकर वहाँ से भाग जाता है। तो जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ चीयन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों रही हो। तो चेंगरुओ चीयन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम सुबह सुबह फिर कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर रहे। तो वो कहता है मिसेस चाई कहाँ है, मैं यहाँ नूडल्स खाने आया था। तो वो कहती है ओ तो तुमने ये गलत टाइम चूज कर लिया है यहाँ आने का, मिसेस चाई तो वेजिटेबल्स खरीदने बाहर गई हैं, तो तुम वापस चले जाओ। लेकिन वो वहीं बैठ जाता है और उसे ऑर्डर देता है कि जाकर मेरे लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आओ। तो वो चिढ़कर उसे लाकर देती है। तो जीएन कहता है पहली ट्रीट मैं तुम्हें देता हूँ, लो इसे पी लो। तो जब वो पीती है तो उसे काफी कड़वी लगती है और वो निकाल देती है। फिर वो ड्रिंक का दूसरा जार उठाकर लाती है और जब जीएन उसे पीता है तो उसमें वाटर निकलता है। तो वो उससे पूछता है इसमें वाटर कैसे है। तो वो कहती है मैंने ज्यादा करने के लिए एक जार में वाटर मिला दिया। तो जीएन उससे कहता है कि तुम लोगों को फूल बनाना चाहती थी, आर यू श्योर कि तुम एक एम्परर को धोखा दे सकती हो। तो चेंगरुओ उससे पूछती है आप क्या चाहते हैं, पहले मुझे पहले से बाहर निकाल कर फेंक दिया और अब हैंगियन सिटी चले आए। तो चीयन कहता है तुम रीजन जानती हो मैंने तुम्हें क्यों निकाला है। तो चेंगरुओ कहती है आपके लिए बेटर यही होगा कि आप मुझे मार दो वरना मैं ये केस कंटिन्यू रखूंगी। चीयन उससे कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम बोलोगी और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो वो कहती है मुझे डेथ से डर नहीं लगता। तो चीयन कहता है ओके आई विल टीच यू अ गुड लेसन और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कितनी वीक हो। और जैसे ही वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ कुछ हत्यारे आ जाते हैं और उनकी खबर लॉर्ड मजेस्टी तक फिर से पहुँच जाती है, मतलब कि ये लोग फिर से यंजी के भेजे हुए हैं। तो चीयन चेंगरुओ को छोड़कर उनको फेस करने लग जाता है और गुस्से में चेंगरुओ बाहर चली जाती है और कहती है अब मैं उसकी प्रोटेक्टर नहीं हूँ, उसने ही तो कहा था कि वो मुझे सबक सिखाएगा तो मैं उसे क्यों बचाऊं। लेकिन अगर उसे चोट लग गई और फिर उसे अंदर बचाने के लिए चली जाती है जहाँ ऑलरेडी जीएन ने उन सबको हैंडल कर लिया था। तो एक हत्यारा उसके हाथ लग जाता है और चेंगरुओ उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हें किसने भेजा है जल्दी बोलो। तो वो कहता है चेंगरुओ। तो वो पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो और इसके आगे कुछ पूछती कि कुछ हत्यारे उसको मार देते हैं और सच फिर बाहर नहीं आ पाता। इधर यंजी और उसके फादर के पास ये खबर दोबारा पहुंच जाती है कि सबको मार दिया गया है और उनकी ट्रिक फिर फेल हो गई है। इधर चीयन से चेंगरुओ कहती है क्या हुआ आप तो मुझसे कॉम्पिटिशन कर रहे थे। तो चीयन कहता है तुमने मुझे अभी प्रोटेक्ट किया है तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। इस पर वो बहुत खुश हो जाती है। आगे चीयन चेंगरुओ के बारे में ही सोच रहा होता है और कहता है लगता है वो वॉयलेट ब्यूरो के बारे में सच में कुछ भी नहीं जानती है, अगर वो यहाँ रहेगी तो वो मेरे प्लान को खतरे में डाल देगी, यही अच्छा है कि वो यहाँ से दूर रहे। आगे चेंगरुओ कैपिटल यामिन आती है और वहाँ आकर उन हत्यारों का पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ से भी उसे फेस दिया जाता है। तो वो वापस जा ही रही होती है कि तभी वहाँ का एक मैन उसका पीछा करने लग जाता है लेकिन हमारी क्लेवर चेंगरुओ को भी पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
तो वो अपने ट्रिक से उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगी। और आगे उसे अपने साथ ले आती है और उसे खूब सारे ड्रिंक पिला देती है और कहती है, अब तुम मेरा काम आसान करोगे। और बस यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.